दोस्तों स्मार्ट क्रूज कंट्रोल विद स्टॉप एंड गो फीचर देखिए कैसे काम करता है। तो यहाँ पे अभी मैं इस समय हुंडई क्रेटा ड्राइव कर रहा हूँ जिसमें अडास फीचर है और स्मार्ट क्रूज कंट्रोल स्टॉप एंड गो वाला फीचर दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक सर्टेन स्पीड लिमिट पे जो है क्रूज को सेट करता हूँ। अभी देखते हैं मेरी गाड़ी, देखिए समय 39:40, यहाँ पे मैं 40 पे लगा देता हूँ क्रूज को और ये सेट हो जाएगा। अभी समय 36 पे देखिए सेट हो गया है और यहाँ पे आप चेक कर रहे होंगे, यहाँ पे देखिए कार वन क्या आ रही है उसके आगे डिस्टेंस बना हुआ है और अभी जो सेकंड वाली आगे वाली कार ही है ये अभी डिसेबल है। देखिए यहाँ पे अभी डिसेबल दिखा रही है क्योंकि अभी इसने किसी भी गाड़ी को फॉलो नहीं किया है। जैसे ही ये फॉलो करने लगेगी तो यहाँ पे ये वाली कार भी जो है व्हाइट कलर से हो जाएगी, यानी इनेबल हो जाएगी। तो अभी देखिएगा यहाँ पे अभी फिलहाल मेरे आगे जो भी गाड़ियाँ वो डिस्टेंस पे है, तो मैं थोड़ा सा स्पीड को एक्सप्रेट देके बढ़ा देता हूँ और फिर नए स्पीड लिमिट पे थोड़ा सा क्रूज सेट करते हैं। अभी जैसे देखिए मैंने समय 45 पे कर दिया है स्पीड को और मैं जरा इसको दोबारा से क्रूज को डिसेबल करके यहाँ पे मैं इसको इनेबल कर देता हूँ और ये देखिए अभी इसने 48 पे सेट कर दिया है क्रूज को और आगे जो ये गाड़ी जा रही है इसको इसने फॉलो करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए ये दोनों गाड़ियाँ व्हाइट कलर से दिख रही है और बीच में ब्लू कलर का ये डिस्टेंस दिख रहा है कि कितने डिस्टेंस पे इसको फॉलो कर रही है। अभी आगे वाली गाड़ी ने स्पीड बढ़ा दी है तो इस वजह से जो है इसने इसको छोड़ दिया है और जो है अभी यहाँ पे देखिए क्रूज तो सेट है, क्रूज जितने मैंने सेट किया उतने पे ये सेट है, लेकिन जो है इसने आगे वाली गाड़ी को फॉलो करना बंद कर दिया है। अभी मेरे बगल से ये एक ट्रक जा रहा है, मैं जरा इसके पीछे लगा देता हूँ तो उसको ये फॉलो करने लगेगा। हालांकि ट्रक की स्पीड भी मुझसे ज़्यादा है तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुझे और स्पीड पे लेके क्रूज को सेट करना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको सेट किया 56 स्पीड पे सेट किया और मेरे आगे जो ये ट्रक जा रहा है, अब देखिएगा यहाँ पे इसको इसने फॉलो करना शुरू कर दिया है। वापस ये वाली गाड़ी आ गई है, तो यानी जो भी गाड़ी आगे आएगी उसकी ये स्पीड को जज करेगा, उसके हिसाब से आपकी गाड़ी की स्पीड को धीमा और तेज करता रहेगा। देखिए आगे वाली गाड़ी अभी समय तेज जा रही है तो यहाँ पे देखिए आपकी क्रूज की स्पीड इसने यानी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी है, लेकिन ये स्पीड को मैक्सिमम उतने तक ही ले जाएगा जितने तक आपने इसको क्रूज पे सेट किया हो। जैसे 56 पे सेट किया तो ये मैक्सिमम 56 तक जाएगा या फिर 56 से ये कम करने लगेगा अगर आगे वाली गाड़ियां जो हैं वो धीमी होने लगेंगी। यानी यहाँ पे हायर लिमिट आप सेट करेंगे, लोअर लिमिट जो है वो फ्रंट पे जो गाड़ियां चल रही हैं उनको फॉलो करके ये सेट करेगा। तो ये है स्मार्ट क्रूज स्टॉप एंड गो फीचर। अब इसमें एक और चीज है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये एक बटन दिया हुआ है जिसमें यहाँ से मैं डिस्टेंस को भी कम ज्यादा कर सकता हूँ, यानी कितने डिस्टेंस पे मुझे गाड़ी को फॉलो रखना है। फ्रंट वाली गाड़ी को देखिए अभी डिस्टेंस कम कर रहा है और ये इसने मैक्सिमम कर दिया है। तो आप अपने सेफ्टी के अनुसार या जैसे भी आपको ड्राइव करना उस हिसाब से यहाँ पे आगे वाली गाड़ियों को फॉलो करते हुए यहाँ पे अपने जो है सेफ डिस्टेंस सेट कर सकते हैं। अभी से मेरा हाथ क्रूज पे लग गया तो क्रूज बंद हो गया है, वापस से देखिए सेट हो गया और ये फॉलो कर रहा है। अब देखिए मैं ऑटोमेटिक गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं एक्सीलेटर से पैर ही हटा देता हूँ और अब देखिएगा ये अपने आप जो है गाड़ी को जो आगे चल रही है उसको फॉलो करता रहेगा। अभी प्रॉपर मेंटेन करे हुए है डिस्टेंस को, क्योंकि मैंने सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे इसको सेट किया हुआ है। सेफ साइड पे जो है मैंने दूर वाला डिस्टेंस सेट कर दिया है और ये जो आगे टेम्पो जा रहा है उसको ये फॉलो कर रहा है उसकी स्पीड के हिसाब से। देखिए यहाँ पे ये इसको सेट स्पीड जो है वो मेंटेन करे हुए है। अब आगे देखते ही ऑटोमेटिकली गाड़ी रोकेगा या नहीं, क्योंकि आगे सिग्नल जो है वो बंद है और चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्पीड जो है ये अभी धीमे धीमे कम कर देगा। मैं एक्सेलरेटर को जो है कोई भी टच नहीं करूंगा और अब देखते क्या होगा। देखिए आगे टेम्पो धीमा हो रहा है और ये देखिए इसने जो है स्पीड बिल्कुल धीमी कर दी है। देखिए इस समय आप चेक करोगे गाड़ी ऑटोमेटिकली यहाँ पे रुक गई है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैंने एक्सेलरेटर को टच किया ना मैंने ब्रेक को टच किया है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं क्रूज 31 पे सेट है और यहाँ पे आगे टेम्पो रुक गया है, तो ऑटोमेटिकली मेरी गाड़ी भी देखिए अपने आप यहाँ पे रुक गई है। मैंने ना ही देखिए गियर लीवर को टच किया, ये अभी भी ड्राइव मोड पे है। तो कितना मस्त फीचर है, यहाँ पे आगे वाली गाड़ी को कम्प्लीटली ये फॉलो करेगा। अब मैं अभी वीडियो को कट नहीं करूंगा दोस्तों, कंटिन्यूस चलने दूंगा, देखता हूँ कि कितनी देर तक ऑटोमेटिक गाड़ी को रोके रखेगा और जैसे आगे वाली गाड़ी चलेगी देखते हैं चलाएगा कि नहीं। देखिए अब सिग्नल खुल गया है तो आगे वाली गाड़ी देखते हैं जैसे ही चलेगी तो ये ऑटोमेटिकली चला देना चाहिए इसको। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। चल भाई टेम्पो वाले चल दिया और नहीं दोस्तों
इसने अपने आप गाड़ी को नहीं चलाया, मुझे एक्सलेट करना ही पड़ा, तब जाके इसने गाड़ी को चलाना शुरू किया है। क्रूज हालांकि अभी भी सेट पोजीशन पे है, 31 पे मैंने सेट किया हुआ था, ये उसी पे सेट है। तो यहाँ पे यानी कम्प्लीटली जब ये गाड़ी रुक गई है तो इसने ऑटोमेटिकली इसको जो है गाड़ी को अपने आप नहीं उठाया। अब इसका कोई पर्टिकुलर टाइमिंग है या नहीं ये मैं चेक कर लूँगा, फिलहाल मैंने अभी नहीं चेक किया क्योंकि ये मैं जस्ट आपके सामने डायरेक्टली वीडियो बना रहा हूँ। मैंने इससे पहले कोई भी इस फीचर को एक्सपेरिमेंट नहीं किया था कि कुछ टाइमिंग बाद ये ऑटोमेटिकली चल देगा कि नहीं, क्योंकि ये तो काफ़ी देर तक यहाँ पे सिग्नल पे गाड़ी रुकी रही है, तो उस वजह से मे भी हो सकता है कि मुझे एक्सलेट करना पड़ा, क्योंकि स्टॉप एंड गो का मीन्स यही होता है कि या तो गाड़ी को अपने आप इसको चला भी देना चाहिए। दोस्तों ये वाला पार्ट मैंने बाद में शूट करके वीडियो के बीच में डाला है आपको कंप्लीट जानकारी देने के लिए कि उस वक्त गाड़ी अपने आप क्यों नहीं मूव करी थी। देखिए अगर ट्रैफिक कंटिन्यूशन पोजीशन पे यानी रुका और तुरंत चल दिया, रुका और तुरंत चल गया, तो स्मार्ट क्रूज कंट्रोल का जो स्टॉपिंग को फीचर है वो वर्क करेगा, गाड़ी को रोकेगा और चला देगा। लेकिन अगर कार आपकी जो है वो एक सेकेंड से भी थोड़ी ज्यादा देर के लिए रुक चुकी है तो यहाँ पे मीटर पर लिखकर आ जाएगा यूज स्विच और पैडल टू एक्सलेट। अगर ये लिखकर आ गया है फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है इधर की तरफ इस स्विच को हल्का सा ऊपर करेंगे तो कार अपने आप चल देगी, या फिर जो है आपको एक्सेलेरेटर पैडल को दबाना पड़ेगा गाड़ी को मूव कराने के लिए। तो फिलहाल जो है क्रूज स्टॉपिंग को फीचर मैंने आपको चेक कराया है किस तरीके से काम करता है, छोटा सा वीडियो था, जस्ट आपको नॉलेज दे रहा हूं कि कितना मस्त फीचर है, आगे वाली गाड़ियों को प्रॉपरली फॉलो करता है अगर आपने इसको क्रूज मोड पे डाल दिया है। तो ये है स्टॉपिंग को फीचर। ऐसे और जानकारी वाले वीडियोस के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल कार दुनिया में। थैंक यू।